सो गाइस, मैंने पूजा भी कर लिया, रेडी होके अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है चाय और आलू का परांठा। परांठा फ्राई नहीं है गाइस, सिंपल मम्मा ने सेका है जैसे चपाती होती है। साथ में मैंने बटर लिया है क्योंकि रात की जो सब्ज़ी पड़ी थी मेरा मन नहीं था खाने का, तो मम्मा कहते तूने आलू वाली परौंठी खानी है, तो मैंने कहा हाँ खानी है। सो अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे शॉप पर जाके गाइस। जी क्या चीज हुई है, तू जोरी उठो, सीधी सीधी उठो, उठो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी पिछला व्लॉग मैंने अभी एंड करा है और उसको मैंने अभी अपलोड करने जा रही हूँ। सो गाइज, अभी मैं शॉप पे आ गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए। तो मैं अभी सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, मुझे मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था। आते पहले मैंने अपना काम किया, जोश जोश जगाई, पूजा करी और उसके बाद आज भी गर्मी है गाइज। और मैंने पहना ये वाला सूट, पर्पल वाला, ये मेरी शॉप का सूट है, जयपुरी कॉटन है। तो ये फर्स्ट सूट है जो मैंने अपनी शॉप का पहना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब अपनी चीज़ लाई हुई, मतलब खुद पहनो तो ऐसे फील होता है कि यार अपनी शॉप का। पहले मैं सोच रही थी नहीं पहनूं अपनी शॉप का, क्योंकि शायद बेबरकती होती है, ऐसा लगता है अपनी चीज़ में से बार बार निकालना, से बेबरकती कहते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार पहन लेते हैं, ऐसे कब तक ये करूँगी कि अपनी शॉप का ही नहीं पहनना, तो फिर बाहर जाके खरीदना थोड़ी ना पड़ेगा। अगर कुछ भी पहनना तो अपनी शॉप से ही लेके पहनना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो सूट सिलवाते हैं, और ये फाइनली मेरा सूट सिल गया और मैंने पहना है। सुबह उठते मैंने काम शाम किया, फिर मतलब सारा कुछ किया। सो अभी मैं शॉप पे हूँ और मैंने दीपू को बोला सबसे पहले तो मेरे को नारियल तोड़ के दे, क्योंकि कल भी मैंने उसको बोला था मेरे को नारियल पानी पिला और मैं घर चली गई थी और मुझे भूल गया उसके बाद, और मैं शॉप पे ही नहीं आई गाइस। सबसे बड़ी बात यह कि मैं जब घर गई थी शाम को, टोबो को ना कान में दर्द हो रही थी, शायद उसको ना हल्की सी पस पड़ गई थी, तो मैंने उसका कान साफ किया आहिस्ते से करके बड़े आराम से। फिर उसको मैंने थोड़ा सा ना ईयर ड्रॉप डाले जो उसके लिए दीपू ने, मतलब दीपू की शॉप पे हैं, ठीक है, पेट्स का भी होता है उसकी शॉप पे और दूसरा तो होता ही है, तो वेटनरी वाला भी दीपू की शॉप पे अवेलेबल होता है। तो फिर मैंने ना उसकी शॉप से ईयर ड्रॉप लिए, वो मैंने डाले उसके कान को साफ करके टोबो के, तो कोई शाम के 6:30 हो गए थे। तो फिर मैंने नारियल पानी भी नहीं पिया था, तो फिर मैं घर गई, तो मैंने सोचा कि शॉप पे क्या आना है, अब टाइम हो चुका है, 7:30 बज गए थे मेरे को, मतलब 7:15 मेरे को बज गए थे। तो मैंने सोचा यार रहने देती हूँ। फिर दीपू को मैंने बोला था कि मेरा चार्जर शार्जर घर ले आना, पानी की बॉटल्स घर ले आना, तो कहता ठीक है। तो फिर वो घर ले आया था, तो फिर उसके बाद मैं इस शॉप पे नहीं आई थी, इसलिए मैंने नारियल पानी भी नहीं पिया, बट घर जाके मैंने चाय पी थी। और मैंने वो आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मम्मा से बैठ के गप्पे मार रही थी और फिर काम भी किया थोड़ा सा, टोपो को दवाई भी डाली कान में, ये डॉक्टर मैं बता रही हूँ, फिर बाकी काम किए घर के। फिर मम्मा कहते तू चपाती बना के इनको खाना खिला दे, फिर मैंने चपाती छपाती बनाया, फिर टोबो जोरों ने खाना खाया, मतलब उनको खाना खिलाया, वो खुद तो नहीं खाते, फिर उनको खाना खिलाया। फिर उसके बाद दीपू आ गया, दीपू ने डिनर किया। और गाइस रात को मैंने व्लॉग बनाना था, मैंने आपको कहा था मैं टोबो जोरों से मिलाऊंगी, बट हुआ तो क्या कि लाइट बंद होगी और उसके बाद फिर मैंने, मतलब मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फिर गर्मी थी इतनी कि बार बार ना इन्वर्टर डाउन हो रहा था, इन्वर्टर बार बार बंद हो रहा था, तो मैंने सोचा चार्ज नहीं है फुली, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं आगे शूट किया। और फिर हम अपने अपने बिजी हो गए, मैं फोन चलाने लग पड़ी, थोड़ा सा वीडियोस देखनी थी, थोड़ा सा एडिटिंग करनी थी, वो करने लग पड़ी, और उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बनाया गाइस, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो अब जब दीपू नारियल पानी लेके आता तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने सोचा मैं आज सुबह ही पीऊंगी, मतलब सुबह मीन्स दिन के टाइम, अभी कोई 1:30 बज रहा है, तो मैंने कभी नारियल पानी पीऊंगी क्योंकि मेरे को लंच करने का बिल्कुल मन नहीं है, अगर मैंने किया भी तो मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल मैं अभी नारियल पानी पीना चाहती थी, तो मैंने कहा उसको नारियल पानी मेरे को तोड़ के दे, अभी तोड़ के दे, तो बेचारा तोड़ने गया है, तो पीते हैं नारियल पानी थोड़ी देर में। और गाइज और क्या अपडेट देना था, बाकी यही है कि कल लाइट बंद हो गई थी, इसकी वजह से रात को व्लॉग नहीं हो पाया, टोबो जरो से मिलाना था नहीं मिला पाई, बाकी अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया क्योंकि कल बैसाखी की छुट्टी थी
और आज देखते हैं कि आते हैं नहीं आते। सो गाइस, अगर आज नहीं आए मेरे पार्सल, कल तो मैं श्योर हूँ 100% कि वो आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, ना ही दिवू ने कोई क्लियर किया कि वो आज आ जाएंगे। तो दिवू ने भी क्लियर नहीं किया कि आज वो आ जाएंगे, तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती। जब आएंगे मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल इनको भी अभी खोलना मेरे लिए टास्क हो गया गाइस। ऐसे मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, बट मैं इसको रखूँ कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा फुल है, देखिए आप। ठीक है, तो अब मेरे को इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा कुर्तीज़ को। तो कुछ चीज़ें मैं ना उधर हैंगर में डिस्प्ले कर दूंगी, बट अभी बाकी सारी चीज़ें तो नहीं कर सकती हूँ। तो कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ, बट आज मैं आपको शाम को अपनी कलेक्शन भी दिखाऊंगी जो थोड़ी थोड़ी लाई है, और वो चलता रहेगा मिक्स मैच की। मैं आपको बता दूंगी कि मैंने न्यू क्या लाया और पुराना क्या। मेरा नारियल आ गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा नारियल पानी, नारियल ले आया दीव। सो गाइज, अब इसको पीते हैं। देखिए देखना, स्ट्रॉ जो लेके आया है उसको, मेरे को लगता है दूसरी नारियल पानी वाली नहीं मिली तो इसने शॉप वाली ले आई है, कोई जूस वाली लेके आया है। सो गाइज, अब मैं इसको पीती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 4:45 और अभी तक मैंने लंच नहीं किया। मैंने आपको कहा था मैं लंच नहीं करूँगी, अगर मन करेगा तो करूँगी। मम्मा ने दीपू के हाथ लंच भेज दिया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बट मैंने नहीं किया, मैं बिजी हो गई थी, कस्टमर्स आ गए थे, तो मैंने सोचा लेट करूँगी, क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं रात को डिनर नहीं करूँ, स्किप करूँ, क्योंकि मैं डाइटिंग नहीं कर पा रही हूँ और मुझे थोड़ा ना ब्लोटेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी इतनी हैवी हो चुकी है। शायद आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने आपको अपना पूरा लुक दिखाया है, इतनी मोटी फील हो रही है मेरे को, अपने आप इतना मोटापा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी मोटी हो चुकी हूँ। भूख भी लग रही है गाइस, जिस वजह से मोटापा जब आपको गेन होता है ना, आपको भूख भी ज्यादा लगती है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो अब मुझे भूख भी लगती है, तो बट मैं कोशिश कर रही थी, आज पानी पी रही थी कि ना ज्यादा खाऊं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये खा लेती हूँ और फिर खाना खाने के बाद, मतलब अभी लंच कर लूंगी, अभी शाम के 5 बजने वाले ऑलमोस्ट, उसके बाद थोड़ा सा चाय पीनी है, उसके बाद फिर मैं ये सोच रही हूँ कि रात को मैं कुछ नहीं खाऊंगी 7 बजे के बाद। तो फिलहाल तो अभी करते हैं लंच, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और ये ऑलमोस्ट ठंडा तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है। तो अब खाना खा लेते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मम्मा ने क्या भेजा। सो गाइज, ये देखिए, ये मम्मा ने भेजा था, तो मैंने ऐसे बाहर निकाल के रख दिया, ऊपर फैन भी लगा है तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बने हैं ब्लैक चने और राइस। अभी मैं ये खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे खा के फ्री होती हूँ, क्योंकि अभी बड़ा कोसा हो गया, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, मैं खा के फ्री होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, फिर आपको इसके बाद आज की कलेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आज आपको कलेक्शन पक्का दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।